अच्छा, और हमेशा ऐसी भीड़ होती है? हाँ जी, बस आपकी बार थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या है यहाँ पे, मतलब डेली आते हो आप, तो मनोकामना पूरी पूरी होती है हर साल? हर साल मतलब जब तुम इधर आ गए क्या? नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है, आज हम अभी हैं काला ढूंगी में और हमारे साथ हैं हमारे कुछ तो खैर पुराने सहयोगी हैं, जैसे कि सोमिदा, सौरभ जोशी जी और मनराल जी हैं, और बगल में हैं तरुण जी। तो कुछ नए हैं, कुछ पुराने लोग हैं, और लक्की जी जो हमारे कैमरामैन हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ से है 48 किलोमीटर, और अभी हम काला ढूंगी में बौरपुल ये जगह है, और ये अंदर को जो रोड जा रही है ये है कोटाबाग वाली, और आगे जो सीधी रोड है वो रामनगर वाली है और काशीपुर वाली है। तो आप देख सकते हैं, और इस साइड से यहाँ से माएँ लक्की जी ज़रा दिखाना घुमा के, हाँ जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये बौरपुल है बिल्कुल। अभी हम ये मतलब आगे काला ढूंगी है, बौरपुल से ये गाड़ियाँ इधर को आ रही हैं, और हमारे साथ लक्की जी भी हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं बुल्लर सिद्ध मंदिर में, और देखते हैं फिर क्या क्या है वहाँ की विशेषताएँ मान्यताएँ। तो ले चलते हैं आपको, चलो फिर। अब हम थोड़ा काला ढूंगी से आगे बढ़े हैं, और ये यहाँ पे यहाँ तक थी काला ढूंगी की सीमा, और अब सीमा समाप्त काला ढूंगी की। बड़ा ही शानदार नज़ारा। और अब हम पहुंच चुके हैं नया गांव चौकी में, ये आप देख सकते हैं ये नया गांव की चौकी। और ये लकी जी इधर की साइड दिखाना आप जरा ना, यहाँ पे है दो रोड, और ये वाली रोड जो आगे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ये आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है ऊपर बोर्ड दिखाना लगे जी, बोर्ड लगा है बाजपुर है यहाँ से 22 किलोमीटर और रामपुर है यहाँ से 70 किलोमीटर, और जो ये वाली रोड है राइट को यहाँ, हाँ यही वाली, ये रामनगर वाली रोड है, और इसी रोड पर अब हमें जाना है, और यही है गुल्लर सिद्ध का मंदिर। रामनगर 26, जिम कॉर्बेट पार्क 44 किलोमीटर। अभी हम नया गाँव से थोड़ा आगे बढ़े हैं, और ये आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये हल्द्वानी और रामनगर वाला हाईवे है, और बहुत ही खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर नज़ारा। क्यों लक्की जी? और अब हम पहुंच चुके हैं, ये पुल है यहाँ पे, बड़ा लंबा पुल है ये, बहुत लंबा। और अभी हम बैल पड़ाव से थोड़ा आगे हैं, तो एक पुल हमें दिखाई दिया है यहाँ पे, और हमारे एक सहयोगी हैं यहाँ पे, दो सहयोगी और बिष्ट जी हैं, और ये पीयूष जी हैं। तो ये हमें छोड़ के थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन हम मिल गए हैं। तो बिष्ट जी, ये नदी कौन सी है यहाँ पे? ये दाबका नदी कहते हैं लोग इसने, इस नदी को। अच्छा, ये दाबका नदी है, और दाबका नदी पे ये पुल बना है? हाँ, दाबका नदी पे पुल बना है। अच्छा, बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता होगा पानी? तो बहुत ज़्यादा पानी आता है इसमें। अच्छा, और अभी हमें जो गुल्लर से जाना है तो कितनी दूर होगा लगभग? वो लगभग होगा 5-6 किलोमीटर के आसपास शायद अभी। तो जैसे कि बिष्ट जी बता रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर के आसपास होगा, तो चलते हैं फिर दोस्तों, ले चलते हैं आपको गुल्लर सिद्ध। अब हम पहुंच चुके हैं गुल्लर सिद्ध मंदिर के ठीक नीचे, रामनगर से थोड़ा पहले, और यहाँ पर पार्किंग है ये, और काफ़ी भीड़ है, तो जंगल में ही अंदर को थोड़ा पार्किंग कर रखी है। और अब हम मंदिर को ऊपर के लिए जा रहे हैं, ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा ऊपर। और अब हम उस जगह में पहुंच चुके हैं जहां पे मेला लगा है, खैर मंदिर तो बता रहे हैं लोग कि इससे भी थोड़ा सा और ऊपर है, लेकिन यहां पे मेला लगा है, और भीड़ आप देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है। ये है मेला गुल्लर सिद्ध का, और बहुत भीड़ है यहां पे, ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है। लेकिन यार है काफ़ी मतलब रोमांचकारी है ये सब रास्ता। हाँ यार, चढ़ाई भी है और भीड़ भी है ये रास्ता, और दोनों चीज़ों को पार करना पड़ रहा है हमें।
लकी जी यार अब तो थकान भी बहुत लग गई, चढ़ाई बहुत थी, पर अब पहुँच ही गए। अब तो लग रहा कि ये यहाँ पे जहाँ पे झंडा दिख रहा तो बस यहीं पे है झंडे के पास में। और भीड़ तो खैर, और ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु हैं। और ये श्रद्धा है लोगों की कि इतनी तादाद में यहाँ। जस्ट ऊपर तरुण जी भी दिख रहे हैं। और हाँ तरुण जी मनराल जी भी हैं ऊपर, वो हमसे पहले पहुँच गए थे। तो चलो अब चलते हैं, अब मंदिर में ही अब थोड़ा ही है। और ये सामने अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और ये सामने है भोलेनाथ का मंदिर। जय भोलेगी। और भीड़ तो आप देख सकते हैं, वाह बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रखे हैं और ज़बरदस्त भीड़ रखी है। ये है मंदिर। जय हो। और ये श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए खड़े हैं, और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हैं, और एक नहीं बल्कि कई लाइन है यहाँ पे, और लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, ये आप देख सकते हैं बहुत लंबी भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़, लेकिन लोगों में उत्साह। और लकी जी बड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद जो फल था वो मिल भी गया, और अभी हम दर्शन करके लौटे हैं मंदिर से। जय भोलेनाथ। और ये आप देख सकते हैं मंदिर में इतनी भीड़ थी कि लोग आज जो धूप धूप है और प्रसाद है सब यहीं पे लोगों ने चढ़ा रखा है, क्योंकि ऊपर तो इतनी भीड़ है कि वहाँ तो खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल है। बस वहाँ पे तो थोड़ा सा दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है, तो धूप धूप चढ़ाना तो आज तो खैर नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा ही सुंदर और सुखद हमारा ये सफ़र था। मचान भी ऊपर। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पंडित जी टीका लगा रहे हैं, और यहाँ पे भी इनके पास भी बहुत भीड़ है टीके लगाने वालों की। और ये हमारे सहयोगी लकी जी भी वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और अब लगने वाला है लकी जी का टीका। लकी जी बाल ऊपर करो। लाल वाला और अभी हम मंदिर के दर्शन करके आए, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ तो खैर ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हम साइड से ये पीछे वाला रास्ता यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल खाली है, तो हमने कहा भीड़ से भी बच के। और ये आप देख सकते हैं भीड़ तो खैर ज़बरदस्त हो रखी है, और हम तो साइड यहाँ से, तो अभी हमें यहाँ पे बंसी मिले हैं। तो बंसी कब से आते हो आप यहाँ मंदिर में? पिछले 5 सालों से। अच्छा, और हमेशा ऐसी भीड़ होती है? हाँ जी, बस आपकी बार थोड़ी ज़्यादा है, 10-15%। अच्छा, शायद बीच में कोरोना था तो इस वजह से लोग नहीं आए, तो दो साल लोग नहीं आ पाए। अच्छा अच्छा, अब आ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, मतलब डेली आते हो आप तो मनोकामना पूरी होती है? हर साल मतलब जब भी आते हो तो मनोकामनाएं? हाँ जी पूरी होती हैं, पास के ही मांगते हैं इस टाइम पे तो। अच्छा अच्छा, घर कहाँ है आपका? जाते हैं मेलपड़ाओं में। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में हो? लास्ट ईयर है 12th। चलो तो हमारी भी शुभकामनाएं, हम भी इनके लिए भी मांगेंगे कि इस बार टॉप करें। लाइन पे काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, तो क्या नाम भाई साहब आपका? रोहित सिंह बोल रहा हूँ। रोहित जी यहाँ पे मिले हैं हमें, तो कितना टाइम हो गया आपको लाइन में खड़े होते हो? गए 20-25 मिनट। अच्छा 20-25 मिनट हो गए, तो काफ़ी लंबी भीड़ है। हर साल आते हो आप? हाँ आते ही। तो मतलब कैसा रहता? बढ़िया लगता है आगे। अच्छा, और यहाँ पे अभी हमें लकी जी एक दोस्त मिले हैं, क्या नाम है? नैतिक। नैतिक, तो कैसा लगा फिर आपको? अच्छा। खुद चल के आए? देखो तो इतनी दूर से पैदल चल के आए, और मंदिर दर्शन कराए आप, दर्शन भी कर लिए इन्होंने। और अब हम मंदिर में दर्शन के बाद नीचे जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी भी ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या, मंदिर में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है, लगातार लोग जा रहे हैं। तुम इधर आ गए क्या? और अब हम पहुंचने वाले हैं जहां नीचे ये मेला लगा है, पेड़ों के बीचों बीच दिखाई दे रहा नीचे, यहां पे मेला लगा है, तो अब पहुंचने वाले हैं हम वहां। अब हम नीचे आ चुके हैं, और यहां है मेला लग रखा नीचे। और
और ये हमारी टीम के सदस्य हमारा यहाँ पे नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये हैं कपिल जी और गोपी जी। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।